तो ये भगवान आपकी इच्छा पूर्ति भी करने में मदद करते हैं और आपका मंगल भी हो। तो नश्वर इच्छा करोगे तो उसमें मदद तो करेंगे, लेकिन आपका मंगल हो इस भाव से फिर उस नश्वर इच्छा में कितनी मदद कब करें ना करें तो अच्छा है, उनकी मौज है। जितना आप उनके भरोसे और उनके महाराज जिसमें हमारा भला हो हमारा मंगल हो ये सोच के इच्छा करोगे तो फिर मंगल का हिसाब, लेकिन ये होना चाहिए और तीव्रता से लगोगे तो फिर वही होगा, फिर कर्म के अनुसार गति फल। इसलिए भगवत आश्रित होकर कर्म, भगवत आश्रित होकर भाव, भगवत आश्रित होकर चिंतन करने से जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाती है। वासना आश्रित होकर, अहंकार आश्रित होकर, मान्यता आश्रित होकर करते हैं तो रास्ता लंबा हो जाता है कि खाना तो तोल के खाएंगे, इतना जल्दी जगेंगे, ये करेंगे तब कहीं मिलेंगे, ये करेंगे। तो राम सुखदास जी ने कहा कि हमने तो पहले बहुत कुछ करके देखा, अब पता चला कि इतना सरल है ईश्वर प्राप्ति। बैठे रहते कि जल्दी से जल्दी भगवत प्राप्ति लोगों को कैसे हो जाए तो अभी पता चला, तो आप लोग उसका फायदा उठा। तो जो सत है, चेतन है, आनंद स्वरूप है, मरने के बाद भी साथ नहीं छोड़ता है, और वो भगवान राम जी को वशिष्ठ महाराज बोलते कि वो परमेश्वर कहीं देश विशेष में या फलानी जगह है आएंगे अथवा मैं जाऊंगा, ये धारणा छोड़ो। वो सर्व देश में, सर्व काल में और सबके आत्मरूप होकर बैठे उस परमेश्वर का ऐसे ऐसे उपासना करो, ऐसा चिंतन करो। मैं भी आपको बताता हूं कि भाई ऐसे प्राणायाम करो, फिर भगवान के चित्र की तरफ अथवा आकाश में एक टक देखो, ओमकार का जप करो, फिर चुप हो जाओ, फिर जप करो, चुप करो, तो एकाग्रता बढ़ेगी। श्रद्धा, एकाग्रता, सच्चरित्रता, ब्रह्मचर्य, श्रद्धा से आपका अंतःकरण रसीला होगा, एकाग्रता से अंतःकरण में भगवत स्वभाव का भला आएगा और संसारी सफलताएं भी। एकाग्रता से इच्छा पूर्ति की शक्ति भी आएगी, लेकिन इसमें आसक्ति करोगे तो फंसोगे। एकाग्रता का फल आसक्ति हुई संसार में, तो हिरण्यकश्यप की एकाग्रता हुई और फिर मैं राजा बनूं ऐसा बनूं तो कितने हजारों वर्ष भटका। एकाग्रता में तो बल होगा सफलता का, लेकिन अनासक्ति जगत से, खाली एकाग्रता से भी काम नहीं होता। श्रद्धा है, एकाग्रता है तो रसीला पर एकाग्रता है, लेकिन आसक्ति बनी रहे मैं राजा बनूं, मैं लंकाधीश बनूं, मैं फलाना बनूं, तो बन के फिर बिगड़ना पड़ेगा ना। आज सुन रहे थे ना कि ऐसा हो गया, ऐसे हो गए, फिर आखिर क्या, जमीन ले ली, बिल्डर हो गए और 10 करोड़ रुपया महीने में कमाने लगे, फिर क्या, छोड़ के तो ही मरना है। यह शक्ति का प्लानिंग है ना, ये करूं, ये पाऊं, ऐसा करूं, मैं एक बैंक खोल दूं, मौखा फिर गरीबों को कम पैसे में ब्याज पर दूं, बेचारे आदिवासी है वो, ऐसा करूं, ऐसा करूं, ये सब ठीक है, लेकिन फिर क्या, आपकी बैंक खुल गई आदिवासियों को, गरीबों को, तुमने सस्ते दाम पे 6% पे पैसे दिए, 5% पे दिए, अच्छा है।
ठीक है। मैं तो कहता हूँ आप उनको नी बिना ब्याज के पैसे दो, अच्छा है, चलो शुभ भाव है, फिर क्या? आपका शरीर कब तक और बैंक कब तक? ईश्वर क्या है, आप क्या है और जगत क्या है, उसमें तो बुद्धि नहीं लड़ी ना। तो आप अपने पैर पर कुहाड़ा मार रहे हैं, आप मुसीबत को बुला रहे हैं। ऐसे वैसे संकल्प करोगे तो ईश्वर प्राप्ति का रास्ता आपसे छूट जाएगा। मौंखा मौंखे ऐसे फेंके जाओगे कि फिर कभी रास्ते चलना मुश्किल हो जाएगा। तो बोले अनासक्ति अनाश्रिता कर्म फलम, कार्यम कर्म करोतिया। ईश्वर प्राप्ति का उद्देश्य मुख्य हो, फिर सेवा तो अपन करते हैं और दूसरे को क्यों मना करेंगे, लेकिन उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति का। तो एकाग्रता श्रद्धा अनासक्ति ब्रह्मचर्य और सतचरित्रता, ये पांच सद्गुणों को अच्छी तरह से आत्मसात करके थोड़ा सा ही भजन भगवत प्राप्ति कर देंगे, दुखों से सदा के लिए छूट जाएंगे, अज्ञान मिट जाएगा और भगवान और आपके बीच की दूरी भी हट जाएगी। एकाग्रता हुई, श्रद्धा हुई और भगवान सपने में दिखे, साकार होकर आए, लेकिन आपके मन में आसक्ति बनी रहे कि मैं ऐसे रहूं, ऐसा बनूं, तो फिर भगवान क्या करेंगे? वैसे ही वरदान दे देंगे, जख मारो उसी में तुम्हारी इच्छा पूर्ति का। तो महात्मा लोग बहुत दूर का अनुभव करके बताते कि अनासक्ति रखो। 60,000 वर्ष तपस्या की, हिरण्यकश्यप हिरणपुर बना सोने का, पूरी धरती पर और इधर उधर तहलका मचा दिया, फिर आखिर क्या? रावण ने तपस्या की, ये क्या लंका बन गई, लेकिन आसक्ति रही। बाहर से अंदर सुख भरना ही आसक्ति, बाहर की चीजों की औषध के नए उपयोग करके अंतर आत्मा के आनंद को प्रकट करना ही अनासक्ति। तो रावण को अपनी पत्नी थी लंका में, कितनी होगी नाचने गाने वाली, लेकिन जगत में सुख लेने की आसक्ति आकर सीता माता तक बुरी नजर से अथवा अपराध वृत्ति से उनको उठा के ले आना, तो आखिर तो कुछ नहीं, हर 12 महीने दे दिया सलाई, आसक्ति का फल दिखा रहे। और हर रामनवमी को भगवान प्रकट होते हैं अनासक्त पुरुष। तो भगवान राम ये अनासक्ति का प्रत्यक्ष धर्म का विग्रह है और रावण आसक्ति का है। तो ये आसक्ति वाले को दे दिया सलाई और अनासक्ति वाले को, मैं प्रगट गोपाला दीन दयाला कौशल्या हित कर। अनासक्ति तो श्रद्धा एकाग्रता ब्रह्मचर्य अनासक्ति सच्चरित्रता, ये पांच सद्गुण और भगवान के स्वभाव का सत्संग सुन ले, ईश्वर प्राप्ति ऐसी।